हुए श्रद्धा हत्याकांड में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये भी कहा कि आफताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वे डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा से आफताब ने माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आज पालघर जिले की वसई अपराध शाखा में आरोपी आफताब के तीन दोस्तों के बयान दर्ज किए। दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। बता दें कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। वहीं आज फिर से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इस दौरान उससे कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जांच टीम को उस फ्लैट में खून के धब्बे मिले हैं, जहां श्रद्धा और आफताब रहते थे। साथ ही पुलिस के हाथ अन्य सबूत भी लगे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्कोटेक्स कराने की संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले सप्ताह दे दी थी। पुलिस को श्रद्धा का कटा हुआ सिर और शरीर के अन्य अंग नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार सहित महत्वपूर्ण सबूतों के लिए सुराग मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी आफताब ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने हथियार और उन उपकरणों के हरियाणा के गुरुग्राम में DLF फेज 3 वन क्षेत्र में फेंक दिया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटने के लिए किया गया था। बीते मंगलवार को आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान आफताब को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।